नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सुशांत मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती सीबीआई से लेकर ईडी तक हर किसी के शिकंजे पर। इन दिनों जिस तरह से रिया को लेकर खुलासे हो रहे हैं, उसके चलते रिया हर किसी के निशाने पर आ गई। वही अब रिया चक्रवर्ती को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को उसके परिवार से भी मिलने से रोकती थी। सुशांत की बहनें घर के बाहर घंटों खड़ी रहती थी, इसके बाद भी उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था। पुलिस सूत्रों ने सुशांत के एक कर्मी के हवाले से बताया कि एक बार सुशांत की दो बहनें उनके परेशान रहने की खबर सुनकर उनसे मिलने पहुंची थी। बहनों ने सुशांत को मैसेज किया, हम लोग तुम्हारे घर के नीचे हैं, मिलना चाहते हैं, हमारे साथ तुम्हारा पुराना कुक भी है। इसके तुरंत बाद जवाब आया, आज नहीं मिल सकते। उस रोज करीब एक घंटे तक दोनों बहनें नीचे खड़ी रही। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि सुशांत की बहनों को जवाब और किसी ने नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती ने दिया था। उस वक्त सुशांत दवा खाने के बाद सोए हुए थे। रिया नहीं चाहती थी कि वे अपनी बहनों से मिले। पटना पुलिस की एसआईटी ने जब सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। सूत्रों की माने तो 6 माह में सुशांत सिंह ने महज 59 आउटगोइंग कॉल की थी। एक फिल्म स्टार के मोबाइल पर अगर 1000 कॉल्स भी आती तो शायद उन्हें कम माना जाता, मगर सुशांत के मोबाइल से महज 59 कॉल्स थी। पूरे साल में अपने पिता के सिंह से उन्होंने महज 6 बार बात की थी। ये माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ ऐसा किया था कि सुशांत अपने परिवार वालों से लेकर बाहरी दुनिया से भी पूरी तरह कट गए थे। रिया ने उनके फोन कॉल्स तक पर रोक लगा रखी थी। इन दावों से तो ऐसा ही लग रहा है कि रिया सुशांत को न सिर्फ उनके परिवार से मिलने से रोकती थी बल्कि उनकी बहनों से भी उन्हें नहीं मिलने देती थी। सुशांत की बहनों के साथ रिया का ये रवैया कई सवाल खड़े कर रहा है।